close till I get up. Time is barely up. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफएसयू व्लॉग। तो जैसे कि रात को हमने इसी ग्राउंड से व्लॉग अपना एंड किया था, सुबह सुबह के शुरू हो चुके हैं और हमारे बंदे आ चुके हैं, बोल रहे हैं कि उठो, यहाँ पे गाड़ी लगाई है अंदर, ऊपर से वॉक्स फैकेंगे ये और नीचे गाड़ी में डालेंगे। अब यहाँ से करेंगे हम लोग वॉक्स लोड, दो गाड़ियाँ लोडिंग है कश्मीर के लिए, एक 10 डायरी है, एक हमारे वाली ये 12 डायरी। तो अब डालेंगे यहाँ से बॉक्स, तो जाएंगे जंगल में लोडिंग के लिए। तो चले निकलते हैं लोड करने के लिए, तो फिर मिलते हैं आपसे। अभी ये फटे खोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से लेबर को बैठना होता है पीछे, और कोई सामान समून डालना हो तो इसलिए। तो हम जा रहे हैं जामनेर में, जामनेर में माल लोड करने, जामनेर से लोड करके फिर आएंगे। दूर है पर जाना पड़ेगा क्योंकि आजकल माल ही बहुत दूर है। तो चलो मिलते हैं आपसे माल लोडिंग। सुबह सुबह देखिए सूरज का व्यू निकल रहा है, सूरज सावधान में देख सकते हैं, हम निकल चुका है लगभग इस साइड से, बुरहानपुर वाली साइड से। यहाँ पे लगाई हमने गाड़ी अपनी बॉक्स डालने के लिए। निकल चुके हैं भाई हम लोग अपने लोडिंग की तरफ, जामनेर जा रहे हैं, अभी फैजपुर पहुंचने वाले हैं और बाकी की लेबर आगे भुसावल से मिलेगी हमें। दो चार बंदे बैठे हैं फिलहाल, भुसावल से बैठेंगे बंदे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on. फतेहपुर, यहाँ पे हम पिछले साल आए थे, मैं और सन्नी, याद है मुझे, यह इस कांटे से हमने कांटा करवाया था और यहाँ पे करवाएंगे हम लोग कांटा। बड़ी बात यह है कि यहाँ कांटा करवा के यहाँ साथ में ही ये वाला मोहल्ला है, बाग है जहाँ से हमने केला लोड करना है। ये मोहल्ला बोलते हैं हम लोग, बाग बोलते हैं। तो अब आएगी गाड़ी, करवाएंगे कांटा, कांटा करवा के यहाँ से बैग लेंगे वो पीछे। कांटा यहाँ से करवा लिया, अब यहाँ से लेनी है हमको बैग की गाड़ी पूरा पीछे तक। तो चलो करते हैं यहाँ से बैग। अब आंदे 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 चल 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 अपनी साइड देगा जान दे, अपनी साइड दबा गया। यहाँ पे लगा दी लाके भाई, इस मोहल्ले से साइड आएगा माल काट करके,
और अभी ये कर रहे हैं सारा अपना सेटअप। तो चले हम भी करते हैं अपना खाने पीने का जुगाड़ कहीं। सब YouTube पे जाओगे, आगे इनकी लोकल सारा सामान उसमें। अब ये पूरा सेटअप करेंगे यहाँ पे और ये बॉक्स उतर रहे हैं, इन्हीं को पैक करेंगे। सभी अपना अपना सेटअप कर लें। ये वाले देखो, इसको पूरा जो पैकिंग रस्सी है उसको उधेड़ के रख रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए। सारे कुछ लोग बॉक्स बना रहे हैं, पानी भर रहे हैं, तो सारों का अपना अपना काम है। और ये लंगर लाने वाली लेबर है शायद, और ये पहले खाना खा रहे हैं, उसके बाद ये पूरे दिन भर काम करेंगे। तो इस तरह का सिस्टम है इनका पूरा सेटअप। खाना हमारा रेडी है भाई। आज बनाया हमने दाल और चावल, और साथ में दही भी है, और साथ में हमारा असम वाला ब्लॉग चल रहा है, पुराना पिछले साल वाला, मतलब 5-6 महीने पहले वाला। और साथ में खा रहे खाना, बंदे ने दही भी लाया साथ में, पर मैं दही खाने वाला नहीं हूँ। चलो खाते हैं खाना, फिर मिलते हैं उससे। दिन के 1 बज चुके हैं भाई, तो सोया हुआ था मैं, अभी उठाऊँ लड़का देखा काम कर रहा है भाई, देखो पॉलिश मार रहा था बहुत ज़बरदस्त, और अच्छा काम कर रहा है यार, गाड़ी को चमका रहा था यार। मेहनत लगती है भाई किसी भी काम में, देख लो बंदा लगा पूरी गाड़ी को, मतलब पॉलिश मार के रखी है भाई, पूरे चमका रहा। कब से लगा भाई तू? हो गया आधा घंटा, घंटा। गुड वर्क। तो देखते हैं पीछे जाके क्या हुआ, सिस्टम कितना हुआ कितना नहीं। आगे हम नीचे, गाड़ी अपनी 1-2-3 डब्बे की हाइट है लग रही है। 2 बत्ते हो चुके हैं, एकदम परफेक्ट लोडिंग चल रही है भाई, बहुत मतलब साफ सुथरी तरीके से ऊपर पत्ती वगैरह डाल रहे हैं, मस्त है भाई। अभी बोल रहे हैं कि ये यहाँ से आधी गाड़ी लोड होगी, आधी हुई है समझो, ये 2 पत्ते पैक करने हैं, उसके बाद हमें जाना है आगे दूसरी जगह जामनेर। हम इस टाइम फतेहपुर में हैं, प्रॉपर लोकेशन, इसके बाद हमें जाना है जामनेर। तो चलें जाते हैं जामनेर, पहले ही करते हैं पैक, फिर निकलते हैं यहाँ से जामनेर के लिए। आधी गाड़ी को हो गया भाई रस्सा तरपाल, अब डाला बंद करेंगे, जाएंगे जामनेर से, बाकी का माल लोड होगा। तो ये देख लो 2 पत्ते का हमने रस्सा तरपाल कर लिया है, अब इसके पीछे 2 पत्ते से ज़्यादा ही है कुछ, प्रॉपर 2 पत्ता तो नहीं है। तो बाकी ये बचखाना कर दे यार, अब रख रहे हैं फटा तरपाल, इसका कांटा करवाएंगे क्योंकि ये अलग किसान का है, वो वाला अलग किसान का होगा, तो किसान को वजन के हिसाब से ही मिलता है। तो चले रखते हैं फटे वगैरह, डाला करते हैं बंद, फिर निकलते हैं। के 2:30 बज गए हैं और दोबारा हम लोग आ चुके हैं जामनेर कांटा पे, क्योंकि वहाँ से माल हमारा पूरा नहीं हुआ था, अब यहाँ से करवाएंगे कांटा और दूसरे मोहल्ले में जाएंगे। आया बंदा आपका गांव?
यहाँ पे करवाएंगे कांटा दोबारा, पैक कर ली यार। दोबारा करवाया कांटा, कितना मतलब जो लोग सोचते ना कि आसान काम है, आसान नहीं है भाई। पहले गए यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, वहाँ से 10 टन माल लेके आए, अब यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ से और कांटा करवाने के दूसरी और साइड जाना है, पैसा ऐसे नहीं बनता भाई। ये देखो बंदा ऐसे बनता पैसा, सुबह से लगा है मेहनत करने। देखो काम आसान नहीं है, गाड़ियों का बहुत मुश्किल है। पैसा बोलते हैं बहुत है, बहुत इकट्ठा करते हैं गाड़ी वाले, पर नहीं, बहुत मुश्किल होता है। जाएंगे दोबारा, रात पड़ जाएगी हमको यहीं पे घूमते घूमते। आ गए हैं भाई जगह जहाँ से आप दूसरा माल डालना है, सेकंड जगह पे। ये सामने बाग है, कच्चे केले बाग में ऐसे लगते हैं, मतलब एक पेड़ पे एक बार केला होता है, बार बार नहीं होता है। एक जैसे ये एक पेड़ है, एक लुंगर पड़ेगा, उसके बाद दोबारा नहीं होगा इसको, फिर दोबारा ज़मीन से काट देते हैं, फिर उसके बाद दूसरा होता है, और फिर उसके बाद दोबारा लगाते हैं। ये फूल आता है पहले, ये फूल आता है, उसके पीछे केले लगते हैं, फिर उसके बाद ये लुंगर बन जाता है बड़ा। ये देखिए ये अब लुंगर, अभी ये केला तैयार नहीं है, धीरे धीरे फिर होता जाता है, तो जब तैयार हो जाता है फिर ऑर्डर दे देते हैं, बेच देते हैं माल को, फिर आ जाते हैं कोई कश्मीर से, कोई जम्मू से, कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से, कोई हिमाचल से, और ले जाते हैं। इनका एक तरीका होता है, मतलब कोई भी फसल लगाएंगे ना, खाली केला एकदम एक लाइन में, इधर से देखोगे एक लाइन से, इधर देखोगे एक लाइन से, ऐसे देखोगे एक लाइन से, मतलब जिस भी कोने से देखोगे एक ही लाइन से, मतलब इनका ये होता है, इनको एक टेक्निक है बहुत ज़बरदस्त। तो फाइनली भाई हम लोग लोड करके आ गए जामनेर में, करवाया यहाँ पे कांटा वगैरह, और अपना माल 29,570 हुआ है, लगभग 19 टन माल हो चुका है, और गाड़ी हो चुकी है अपनी लोड, चलें। तो भाई रात के 9 बज चुके हैं और अभी हम सादा में ये गाड़ी लोड होके डायमंड ट्रांसपोर्ट से बिल्डिंगा वगैरह लेकर हम अपना सफ़र कर चुके हैं दोबारा स्टार्ट श्रीनगर की ओर, और अभी हमने जाके डीजल डालना है आगे भारत पेट्रोलियम पंप से, वहाँ से डीजल डलवाएंगे, टैंकी फुल करवाएंगे, साथ में 100 लीटर और डीजल साथ में रखेंगे, और तब निकल पड़ेंगे हम अपने टूटे फूटे रास्ते पे। तो चले मिलते हैं आपसे। पहुँच गए भाई पंप पे, यहाँ से करवाएंगे टंकी फुल, यहाँ पे रेट है 93.56, तो टंकी फुल करवाते हैं, देखते हैं कितना पड़ता है। यहाँ पे 209 लीटर हो चुका है, 94 रुपये ही हो गए जी इधर, ये वाली टंकी फुल करवा लेंगे। और तो फाइनली भाई हम यहाँ से निकल चुके हैं, और हमारी गाड़ी में डीजल पड़ा है 314 लीटर, टोटल 898 लीटर डीजल हो गया है, जम्मू से लेके करीमनगर करीम सादा गाड़ी रोड रोड करके यहाँ पे 800 लीटर डीजल, सॉरी 800 नहीं, शायद 800 ही हुआ है।
शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सो जाएं, हम लोग चलाते रहेंगे गाड़ी। गुड नाइट।